क्लास में आज हम आपके पास फिर हैं सामने। क्लास की सीरीज में मैंने आपको पहले बताया था नॉमिनलाइजेशन। नॉमिनलाइजेशन का मतलब ही होता है नाउन बनाने की प्रक्रिया। देखिए ग्रामर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें नाउन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी पार्ट्स हैं उसमें नाउन का इम्पोर्टेंस इतना अधिक है कि जितने भी आपके एडजेक्टिव हैं, वर्ब हैं, वो सब कुछ ना कुछ जोड़ जाड़ के नाउन बनने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पिछले क्लासेस को अगर रिकॉल करिएगा तो नाउन है ऊपर में सुपर नाउन है। ऐसे ग्रामर में कोई सुपर नाउन होता नहीं है। मैंने आपको बताया कि नाउन सुपर नाउन बनने का मतलब है कि अब उसमें वो कम्प्लीटनेस आ गई है, कुछ क्वालिटी आ गई है, जिसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो नाउन बनने के लिए सभी परेशान हैं, सब सुपर नाउन बनना चाहते हैं, वर्ब भी बनना चाहता है, एडजेक्टिव बनना चाहता है। ये डायग्राम आप मेरे पिछले क्लासेस के वीडियोस देखकर रिकॉल करिएगा। तो वर्ब में कुछ जोड़ना है पीछे की तरफ में, सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स मतलब बाद में जोड़ा जाता है, वर्ड के बाद जोड़ना होता है, और एक होता है प्रीफिक्स, उसके पहले जोड़ना होता है। आज हम लोग एक बेसिक लेके चलने वाले हैं फॉर्म को। फॉर्म का मतलब पहले समझना होगा। फॉर्म का मतलब होता है आकार, है ना, उसका जो आकार है, उसका शेप है या साइज है, तो इसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। किस रूप में है, जैसे कि पानी इन लिक्विड फॉर्म, बर्फ जो होता है इन सॉलिड फॉर्म, गैस होता है उसका जो वेपर होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो फॉर्म का मतलब आकार हो सकता है, प्रकृति हो सकता है। अच्छा, इंग्लिश में ऐसे शब्द ऐसे भी हैं जिसका अलग अलग मीनिंग भी निकलता है। अभी आप लोग, मैं इसको एक क्लियर फेस में फॉर्म में ई आर लगाने जा रहा हूँ। देखिए इसका मतलब क्या होता है। फॉर्मर, फॉर्मर आपने सुना होगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर मतलब, फॉर्मर का मतलब हो गया जो अभी वर्तमान है, प्रेजेंट है, उसके पहले वाले, ठीक है, इसके पहले वाले। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट का मतलब आप कह सकते हैं पहले वाले, जो इसके पहले थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो एक नया वर्ड आप अपने सीखा है, फॉर्म से आप फॉर्मर बना लो। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म को अगर इसके आगे री लगा देते हैं, रीफॉर्म। अब रीफॉर्म का मतलब क्या होता है, ये जो आकार थी ना, जो प्रकृति थी, उसको पुनः दूसरे अवस्था में लाना, रीफॉर्म। रीफॉर्म का मतलब आप कह सकते हैं, अब जैसे हमारे भारत में सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज था, तो इस फॉर्म को चेंज करना है। ये तो परंपरा है, ये ट्रेंड बन के चला रहा है। दिस इज द ट्रेंड। व्हाट इज द ट्रेंड? स्लेव, जो इसको कह सकते थे कि बच्चों को काम करवाया जाता था, छोटी बच्चियों के साथ में जो है कि विवाह होता था, चाइल्ड मैरिज होता था, तो ये सब एक ट्रेंड चल रहा था। दैट वाज अ काइंड ऑफ फॉर्म दैट वाज बीइंग मेंटेन इन आवर सोसाइटी। इसको रिफॉर्म करना है, हा? तो आपने सुना होगा सोशल रिफॉर्म, सामाजिक परिवर्तन, है ना, सोशल रिफॉर्म। और अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, सोशल रिफॉर्म के बाद अब इसमें हम ईआर डालने जा रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर। अब आपको क्या कुछ दिमाग में हिंट किया, सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज में परिवर्तन लाने वाला। अब राजा राम मोहन राय वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। बहुत सारे लोगों के बारे में आप चर्चा में सुनिएगा, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। देखिए हमने वर्ड सिर्फ एक फॉर्म को पढ़ा है, और अभी आपको कई कई तरीके की चीज मिलने वाले। फॉर्म का मतलब है पैटर्न, रूप, एक शेप एंड साइज। फॉर्मर, रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। आप थोड़ा सा इधर चले आइए, तो अब हम लोग इसके पहले थोड़ा सा प्रीफिक्स लगा रहे हैं बाबू। पॉली मतलब होता है एक, नहीं अनेक, मेनी। तो पॉलीफॉर्म मतलब होता है जिसके कई रूप हो सकते हैं, जिसके कई रूप हैं, पॉलीफॉर्म, पॉलीफॉर्मस बोल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा, पॉलीफॉर्मस को आप समझेंगे कार्बन के रूप में। कार्बन जो होता है केमिस्ट्री में, उसके बहुत सारे फॉर्म आ सकते हैं। डायमंड भी होता है, तो ग्रेफाइट भी होता है, तो कालिक भी होता है, तो यू कैन फाइंड मेनी फॉर्म्स ऑफ द कार्बन, पॉलीफॉर्म। अब एक और वर्ड आ रहा है बाबू, यूनिफॉर्म। अब यूनि का मतलब होता है सिंगल, फॉर्म का मतलब होता है एक ही जैसा। स्कूल में बच्चों को बोला जाता है एक तरह के कपड़े पहनने, एक ही पैटर्न का सभी पहनेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म, टू मेंटेन द सेम ट्रेंड, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पॉलीफॉर्म देखा और यूनिफॉर्म देखा है।
एक लाइए डी फॉर्म देखते हैं, डी फॉर्म। अब बिल्कुल मीनिंग क्लियर है, डी का मतलब होता है उस अवस्था को हटा देना, फॉर्म देयर वाज ए फॉर्म और उसको अब तोड़ देना, डिफॉर्म कर देना। अभी जैसे कि फिजिकल डिफॉर्मिटी, एक मैं आपके सामने वर्ड रख रहा हूं, फिजिकल डिफॉर्मिटी। कोई व्यक्ति पैर से लाचार है, दोनों पैर में से उसका एक फॉर्म में प्रॉब्लम है, उसका एक पैर कट गया या वो जो है कि विकलांग है, तो उसको जो वो जो फॉर्म था उसका वो डिफॉर्म हो चुका है, वो टूट चुका है, वो फिजिकल डिफॉर्मिटी हो सकता है। देखो मेंटल डिफॉर्मिटी भी हो सकता है, यह व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग हो तो मेंटल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, फिजिकल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। पॉलीफॉर्म, यूनिफॉर्म, डिफॉर्म। तो डिफॉर्म का मतलब होता है कि एक फॉर्म को चेंज कर दिया गया हो, उस रूप को तोड़ दिया गया हो। आप देखिए एक नया वर्ड हम लोग देखेंगे, इनफॉर्म। सुना ही होगा, मेरे को अपने इनफॉर्म क्यों नहीं किया, मेरे को सूचित क्यों नहीं किया, सूचित करना, ठीक है, यू शुड हैव इनफॉर्म्ड मी, आपने मेरे को इनफॉर्म क्यों नहीं किया। मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, मेनी फॉर्म्स। यूनिफॉर्म का मतलब सिंगल फॉर्म और डी फॉर्म मतलब टू चेंज या फिर ब्रेक द फॉर्म। तो इनफॉर्म हो गया बाबू। अब एक होता है माल फॉर्म। माल फॉर्मेशन का मतलब होता है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, माल फॉर्मेशन होता क्या है। देखिए इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। एक पेट में बच्चा पल रहा है, एक गर्भवती महिला है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है और बच्चा ढंग से विकसित नहीं हो पाया। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा था पेट में, यूट्रस में, और बच्चा ढंग से डेवलप नहीं कर पाया। उसका फॉर्मेशन होता जरूर, वो छोटा से 9 महीना में फर्स्ट वीक से लेके वो 9 महीने तक पेट में पलता, उसका फॉर्मेशन होता है इन शेप ऑफ चाइल्ड, बट हो सकता है न्यूट्रिशन में कोई कमी रह गई हो। अब वो बच्चा ढंग से प्रॉस्पर नहीं कर पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, दैट इज माल फॉर्मेशन। इसी से आप माल न्यूट्रिशन भी पढ़े हो, मतलब देयर इज सम लैक इन न्यूट्रिशन, देयर इज सम लैक इन फॉर्मेशन, दैट इज माल फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। देखो डिफॉर्मेशन और माल फॉर्मेशन में फर्क। डिफॉर्मेशन का मतलब हो गया, सॉरी, माल फॉर्मेशन का मतलब हो गया न्यूट्रिशन था लेकिन किसी तरह की कमी रह गई, और डिफॉर्म का मतलब हो गया कि वह उस चीज को बनने ही नहीं दिया गया, डिफॉर्म हो गया, टूट गया, ठीक है। अब आइए एक नया चीज सीखते हैं। तो एक नया चीज क्या सीखने वाले हैं, कॉन्फॉर्म। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कॉन्फॉर्म और कन्फर्म। ये बच्चे लोग बड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं, जरा इसको मैं समझा दूं आपको, क्लियर कर दूं। देखिए दो वर्ड आपके सामने है, कॉन्फॉर्म एंड कॉन्फॉर्म। फॉर्म का मतलब तो पता है बाबू, देयर इज सम शेप एंड साइज, ठीक है। कौन का मतलब क्या होता है, कौन का मतलब ऐसे बोले, ये जो प्रीफिक्स का वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है टू एडहेयर टू। अब टू एडहेयर टू में फिर कंफ्यूजन आएगा, व्हाट डज एडहेयर मतलब, इसका साथ देना। अब एग्जांपल, इसको भी मैं एग्जांपल से बताता हूँ। आज की क्लास खत्म हो गई, मैंने आप सभी को बोला बच्चों कल मैथ्स का, आज मैथ्स की क्लास नहीं थी, कल मैथ्स की आप वो किताब लेके आना। तो आप किताब लेके आओगे अगले दिन, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल 40 स्टूडेंट्स ब्रॉट द बुक। तो जो जो लेके आए वो मेरे आदेश, देयर वॉज माई कमांड, मैंने कमांड क्या दिया था, ब्रिंग बुक, और आपने उस आदेश का पालन किया एंड यू कॉन्फॉर्म्ड टू माई कमांड, आपने मेरे आदेश का पालन किया। ऐसे ओबेड बोलते हैं लेकिन यहाँ क्योंकि अंग्रेजी ही है तो ओबे भी बोल सकते हो, कॉन्फॉर्म। कॉन्फॉर्म मतलब वट एवर वॉज माई कमांड यू फॉलोड दैट, तो आप कर सकते हो फॉलो। अब आइए कॉन्फॉर्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्म का मतलब ही होता है, फर्म का मतलब क्या होता है, मजबूत। फर्म
मजबूत होता है। अब इसमें हम लोग लिख देते हैं इनफर्म, मतलब कमजोर, उलट गया ना, एंटोनिम हो गया। फर्म का मतलब मजबूत और इनफर्म का मतलब कमजोर। वह बूढ़ा हो गया है, ही इज ओल्ड एंड इनफर्म। क्लियर है? अब फर्म के आगे आपने इन लगाया, अब अगर कौन लगा दो, इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था, साथ देना या फॉलो करना। अब एग्जांपल समझिए भैया, आप ट्रेन पकड़ने गए, टिकट खरीदा, टिकट कंफर्म्ड है कि नहीं? आप सुना है बहुत आदमी, टिकट कंफर्म है कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है? भाई साहब, आपने 500 रुपये खर्च किए टिकट के लिए, किए आपको एक बर्थ चाहिए था, आप सो के जाना चाहते थे, लंबी दूरी थी, लेकिन चूंकि टिकट जो है अभी तक वेटिंग लिस्ट है, तो ट्रेन में वेटिंग लिस्ट का मतलब ये हो गया कि टिकट आपकी कंफर्म नहीं है। इसका मतलब वॉट एवर यू हैव स्पेंट, आपको उस सीट के लिए अपने पैसे तो लगा दिए हैं, लेकिन अभी उधर से आपके टिकट के लिए सीट नहीं बुक की गई है। मतलब आप अपने तरफ से तो पैसा दे के हाँ हाँ बोल दिए, लेकिन उस साइड से फर्म अभी नहीं है, उस साइड से अभी आपको कंफर्म नहीं किया, उसने आपको पॉजिटिव मोड में इंटरटेन नहीं किया। तो कंफर्म का मतलब होता ही है, इसको मजबूत करना बोले तो ज्यादा अच्छा है, कंफर्म करना, मजबूत करना, या फिर सूचना को मजबूत करना, वो ज्यादा उचित रहेगा। क्योंकि अभी आपने देखा इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करके मेरे को कंफर्म करो, अब कैसा रहा आपके सामने, इन्फॉर्म करके मेरे को कंफर्म करो, सूचित करके मेरे को कंफर्म करो। तो ट्रेन में आपका देखिएगा एक SMS आ गया कि योर टिकट हैज बीन कंफर्म्ड, वहां लिखते हैं टिकट हैज बीन कंफर्म्ड। अब देखिए, अब आइए ट्रांसफॉर्म। अभी मैं ये कुर्सी को छोड़ दे रहा हूं, अभी आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म बता रहा हूं। तो फॉर्म का मतलब आपने क्या देखा, एक शेप एंड साइज, और ट्रांस का मतलब क्या हो गया, ट्रांस का मतलब हो गया एक से दूसरे में इंटर करना, और वो कुछ भी हो सकता है बाबू, ट्रांस में पेरेंट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पोर्ट होता क्या है, अब देखिए पोर्ट से एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। पोर्ट का मतलब होता है ढोना, ठीक है, अब इसमें आप एयरपोर्ट लिख दो, ठीक है, वाटर पोर्ट लिख दो, पोर्ट का मतलब एक ठहराव, एक स्थल होता है, ठीक है, पोर्ट इज अ प्लेस। अब जो कूली जो होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में COOLI तो लिखते ही है, उसका एक साइनोनिमस पोर्टर भी है, एक सामान जो ढोता है, हु इज दैट पोर्टर। तो अब इसमें आप लोग ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो पोर्ट का तो मुझे मतलब क्लियर हो गया, पोर्ट का मतलब एक स्थान, और वो एक दूसरे को जोड़ता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट आप देखिएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको क्लियर है, जो आर या पार हो जाए। ट्रांसफर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो चलिए, पोर्टर का मतलब भी वही होता है कूली, और कूली का मतलब भी कूली ही होता है। अब एक नया वर्ड हम लोग और सीखते हैं, इनफॉर्मल मैंने लिखा था यहाँ पे, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, इनफॉर्मल। फॉर्म का मतलब शेप एंड साइज, एंड फॉर्मल का मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर्म, याद रखिएगा, पर्सनल, अकॉर्डिंग टू पर्सनल, अकॉर्डिंग टू पर्सन पर्सनल, अकॉर्डिंग टू फॉर्म फॉर्मल। तो इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया, फॉर्म का मतलब शेप एंड साइज, इनफॉर्म मतलब नॉट शेप एंड साइज। इस तरह की बातें जनरली होती है लेटर में, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न, अकॉर्डिंग टू सम शेप। तो जितने भी ऑफिशियल्स लेटर होते हैं जो बाहरी लोगों को लिखे जाते हैं, जैसे आप स्कूल में लिखिए
आप प्रेस में लिखिए, भारत के राष्ट्रपति को लिख दो, कहीं भी बाहरी लिख दो, कोर्ट कचहरी जहाँ भी लिखते हो, तो वहाँ बड़े अदब से बात करने पड़ती है। घर में तो सब कुछ चल जाता है, पप्पा मम्मी सब चल जाता है, लेकिन बाहर में रिस्पेक्टेड सर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो बाहरी लोग ज़्यादा सुनने वाले नहीं होते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्मल जनरली होता है वेरी शॉर्ट लेटर, ये विद इन ए सिंगल पेज आपको ख़त्म करना है, उसमें टू द हेड मास्टर, टू द स्कूल मास्टर, योर सिंसियरली, योर फेथफुली लिखा जाता है, ठीक है। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू सम फॉर्म। लेकिन जो घरेलू चिट्ठी होती है, जैसे पापा ने अपने बेटे को या लड़के ने अपने फादर को लिखा हो लेटर, तो वो दैट इज इनफॉर्मल, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। वहाँ पॉप भी चलता है, मॉम भी चलता है, ब्रो भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का फर्क समझ लीजिए। फॉर्मल अकॉर्डिंग टू सम फॉर्म, इनफॉर्मल नॉट अकॉर्डिंग टू सम फॉर्म। वो लंबा चिट्ठी दसों पन्ना का हो सकता है, जबकि फॉर्मल लेटर्स छोटे होते हैं। तो अब आइए, इनफॉर्मल आपने देख लिया, अब यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है, इन्फॉर्मेशन। अभी आपने यहाँ देखा था इन्फॉर्म और इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म किया गया, क्या इन्फॉर्म किया गया, सूचना। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया सूचना, अब कुछ भी डिलीवर करने के लिए बच नहीं गया, दैट इज फुल एंड फाइनल इन्फॉर्मेशन, फुल एंड फाइनल न्यूज, दैट इज इन्फॉर्मेशन दिया गया। रिफॉर्म अभी आप देख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला आ गया, देखिए फॉर्मूला, कूला हटा दो, फॉर्म को अलग कर लो। फॉर्म का मतलब भी होता है सम, शेप एंड साइज, एंड फॉर्मूला भी बोलेंगे। कोविड के लिए जो है, अभी तो को वैक्सीन नहीं निकला, अभी तक लोग फॉर्मूला ही बना रहे हैं। फॉर्मूला होता क्या है, जैसे कहते हैं ना कि भाई साहब अगर आप ट्रेन में हो, गलती से आप बैठ गए वेटिंग लिस्ट टिकट में या फिर जनरल बोगी, तो धीरे धीरे सब सेटल हो जाता है ट्रेन चलते चलते। उसी तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ट्रायल होते हैं, एरर होते हैं, और फाइनली जब सब चीज़ मिलाने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन मिलता है और बोल जाता है कि नहीं अब ये तो फॉर्मूला मैंने याद कर लिया। अब जैसे आपको याद पड़ता है मेरे को, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने का फॉर्मूला 1100 बार एक्सपेरिमेंट किया, फाइनली 1101वां बार उससे बल्ब बन गया। तो बल्ब बनाने का एक फॉर्मूला होता है, मतलब आफ्टर मेनी ट्रायल्स, मेनी एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर, बहुत कुछ होने के बाद जो फाइनल जो कंसेप्ट तैयार होता है, दैट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब यूएल का मतलब हो गया देयर इज सम सफिक्स एडेड। इस फॉर्म को एक फाइनल रूप देना, दैट इज फॉर्मूला। एक फॉर्म को, एक पैटर्न को, एक ट्रेंड को फाइनल रूप देना, दैट इज फॉर्मूला। और फॉर्मुलेट का मतलब आप देखना है, फॉर्मुलेट, ये तो समझ गए कि एक फाइनल रूप देना है। अब मैंने किसी को मारने का प्लान बनाया है, मर्डर करने का प्लान बनाया है, तो भाई साहब मर्डर करने का फॉर्मूला तो तैयार है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, हाउ टू एग्जीक्यूट। तो फॉर्मुलेट का मतलब आप लिख सकते हो टू एग्जीक्यूट, टू पुट समथिंग इन प्रोसेस, ठीक है। अब ये नॉमिनल और पर्सनल मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो कुल मिला के अभी हमने, अच्छा क्रूसीफॉर्म एक छूट गया, मैं इसको बता देता हूँ। क्रूसीफॉर्म एक्चुअली फॉर्म होता है ऐसे, जैसे इस तरह का क्रॉस टाइप जो पैटर्न होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को आप क्रूसीफॉर्म बोलते हो। जनरली पत्तियों में, बॉटनी के स्टूडेंट्स होंगे तो आप देखिएगा, पत्तियों में इस तरह के पैटर्न दिखते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रूसीफॉर्म। आप स्वेटर देखेंगे बुनते हुए, तो इस तरह से जो दाएं बाएं ऐसे चलता है, दैट इज नोन एज क्रूसीफॉर्म। एक दूसरे से लड़कियों की चोटी बनाई जाती है इस तरह से, दैट इज क्रूसीफॉर्म। तो कुल मिला के आप ये देख लो, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से इसको आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ। हम लोग फॉर्म को आज पढ़ने वाले थे, फॉर्म के लिए हमने फॉर्म, फॉर्मूला, फॉर्मुलेट, और इन तरह से शब्दों को हम लोगों ने देखा है। ये एक्चुअली हमारी वर्ड पावर की क्लास थी, और हम लोगों ने एक फॉर्म से कम 20-25 शब्दों का एक डिक्शनरी तैयार किया है। हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, और हमें अगर या